नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो आपके घर में सप्लाई आता है दोस्तों, थ्री फेज और न्यूट्रल, वो कहां से आता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का दोनों का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। और अगर कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो घर में सप्लाई आता है थ्री फेज और न्यूट्रल, वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों इसमें पूरा रोल ट्रांसफार्मर का होता है। जब पावर हाउस से सप्लाई आती है तो सबसे पहले उसको ट्रांसफार्मर में उतारा जाता है। ट्रांसफार्मर में उतारने के बाद उसका वोल्टेज जो है ड्रॉप किया जाता है बाइंडिंग के जरिए। ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है ताकि जो है वोल्टेज को कम किया जा सके। ट्रांसफार्मर का मतलब ही होता है दोस्तों ट्रांसफार्मिंग करना, यानी बदलना, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और कुछ हद तक दोस्तों लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, जो स्टेबलाइजर करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। तो इसमें दोस्तों पूरा रोल ट्रांसफार्मर का ही होता है। आपके घर में सप्लाई कैसे पहुंचती है, उसमें न्यूट्रल कैसे बनता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझना होगा। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दोस्तों डेल्टा में बाइंडिंग की जाती है, डेल्टा टू डेल्टा। उसके बाद दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग डेल्टा टू स्टार होता है, डेल्टा से स्टार में करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए ही हमारे घर में सप्लाई आती है थ्री फेज और न्यूट्रल। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कैसे की जाती है। हालांकि दोस्तों ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ट्रांसफार्मर जहां पे बनता है दोस्तों, जिस कंपनी में, उस कंपनी में मैं सिर्फ 4 महीने रह के आया हूँ, तो उन 4 महीनों में मैं देखा हूँ कि ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग कैसे करते हैं, स्टेप अप का भी और स्टेप डाउन वाले का भी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ही हमारे घर में सप्लाई आती है, वहीं से न्यूट्रल भी जनरेट होता है और वहीं से थ्री फेज सप्लाई भी आती है। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कैसे की जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं ये चार्ट पे डायग्राम बनाया हूँ। यहाँ पे लिखा हूं मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहीं से न्यूट्रल और फेज जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाया हूँ प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो दोस्तों कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, हर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग में दोस्तों इनपुट सप्लाई दिया जाता है, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है दोस्तों वो आउटपुट सप्लाई निकालता है। ठीक है, जिसको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी बाइंडिंग दिखाया हूँ और यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग है, और ये जो तीनों कॉलम दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है दरअसल बॉबिन है, बॉबिन या जो प्लास्टिक का होता है जिसके ऊपर हम वायर को लपेटते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 कॉइल हो रहा है, 3 कॉइल हो रहा है प्राइमरी में और 3 कॉइल हो रहा है सेकेंडरी वाले में। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर में सिर्फ दिखाई 3 ही कॉइल देता है, क्योंकि एक बॉबिन के ऊपर दोस्तों 2 तरह का बाइंडिंग हुआ होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो नीचे वाला होता है वो सेकेंडरी होता है यानी आउटपुट वाला, और उसके बाद जो ऊपर वाला वाइंडिंग होता है वो प्राइमरी होता है यानी इनपुट सप्लाई जो उसमें आता है। तो यहाँ पे मैं, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। चलिए इसका बाइंडिंग ही मैं दिखा देता हूँ कि इसका बाइंडिंग कैसे किया जाता है। जैसे बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एकदम बिल्कुल सेम करते हैं, उसी तरह से मैं इसका बाइंडिंग दिखा देता हूँ। तो देखिए प्राइमरी बाइंडिंग मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको करके। तो प्राइमरी बाइंडिंग जो है दोस्तों, इसको जो है डेल्टा में करते हैं, और जो सेकेंडरी होता है इसको स्टार में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बाइंडिंग करके दिखाता हूं मैं। ये बॉबिन है, यहां से इस तरह से वायर लपेटा जाता है इसके ऊपर, ये हो गया इस तरह से पहले कॉइल पे, अभी पहला लपेट दिखाया हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे कॉइल में भी इसी तरह से बाइंडिंग होगा इसका, ये देखिए। उसके बाद ये तीसरा है, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ए वन, फिर ये टू हो गया, उसके बाद ये हो गया B1 और ये B2 हो गया, ये C1, ये C2 हो गया। ठीक है, तो इसका जो बाइंडिंग है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग जो है डेल्टा में होता है, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है स्टार में होता है। स्टार डेल्टा के बारे में बारीकी से समझने के लिए इसका वीडियो बनाया हूं मैं, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा,
वहां से देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, तीनों पे मैं प्राइमरी बाइंडिंग कर दिया हूं, सिर्फ एक ही बार वायर अभी लपेटा गया है, ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग वाला। तो स्टार कनेक्शन में दोस्तों ये जो A1 वाला सिरा है ये यहां से शॉर्ट हो जाएगा B2 वाले से। चलिए इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं इस तरह से, ये देखिए A1 वाला सिरा B2 से शॉर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये B1 वाला सिरा जो है यहाँ C2 से शॉर्ट होगा, ये देखिए ये B1 वाला है तो यहां से चलिए मैं उठा रहा हूं इसको, यहां से शॉर्ट होगा। देखिए यहाँ पे A1 का सिरा B2 से शॉर्ट हो गया, फिर यहाँ B1 का सिरा C2 से शॉर्ट हो गया। अभी बच रहा है दोस्तों मेरा C1 बच रहा है और A2 बच रहा है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए। एक बार फिर से समझिए, A1 वाला B2 से और B1 वाला C2 से, ठीक है, उसके बाद फिर ये C1 वाला A2 से। तो इस तरह से दोस्तों अभी ये कनेक्शन हो गया इसका बाइंडिंग करने के बाद। अब बारी आती है दोस्तों इसमें सप्लाई देने की। अभी जो इसका कनेक्शन किया हूं मैं, ये डेल्टा में किया हूं दोस्तों। तो डेल्टा में देखिए जो मेन सप्लाई है कि पावर हाउस से, उसको जो है यहाँ पे कहाँ पे जोड़ना है, उसको इस नीचे वाले कॉइल में नहीं जोड़ना है, ठीक है, जहां से बाइंडिंग स्टार्ट होता है। अभी मेरा बाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिये घूम घूम के इस तरह से आ रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हाई वोल्टेज सप्लाई होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से पहला, और इस तरह से ये हो गया दूसरा, और ये यहां से आ गया इस तरह से ये तीसरा। देखिए तीनों कॉइल से मैं ले लिया हूं, यहां से एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों हो गए। अभी जो मेरा मेन सप्लाई होगा दोस्तों जो पावर हाउस से आएगा ट्रांसफार्मर में, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा इनपुट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई को जोड़ा जाता है, एक साइड में तीन टर्मिनल दिया होता है, वायर को कनेक्ट करने के लिए तीन कनेक्टर होता है। इसके बाद जो आउटपुट वाला होता है दोस्तों RYB के साथ में दोस्तों ब्लैक कलर से मार्किंग किया होता है। यहाँ पे दोस्तों तीन ही वायर आ रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर में, ठीक है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है। अब न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ जनरेट हो जाएगा, कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ इसका बाइंडिंग भी करके। तो इसका भी बाइंडिंग दोस्तों इस तरह से ही होगा सेम, ये देखिए। तो अब ये इस तरह से बाइंडिंग हो गया दोस्तों स्टार वाले का। स्टार की बाइंडिंग जो है दोस्तों एकदम बिल्कुल आसान होता है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। डेल्टा में थोड़ा बहुत हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये स्टार एकदम आसान होता है। स्टार में तीनों कॉइल को हमने बाइंडिंग करके लाया इस तरह से, पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, तो बस ये तीनों को इस तरह से शॉर्ट कर देना है। ये जो बाइंडिंग करने के बाद जो लास्ट वाला सिरा होता है, इसको तीनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है बाइंडिंग, और ये इंड पॉइंट है जहां पे खत्म होता है, जहां पे समाप्त हो रहा है बाइंडिंग, उसका ये तीनों सिरा आपस में शॉर्ट कर देना है तीनों कॉइलों का, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों बच रहा है दोस्तों, ये इस तरह से, उसके बाद ये वाला इस तरह से, और उसके बाद ये वाला इस तरह से। अब ये हो गया दोस्तों RYB, यहां से आउटपुट हो गया, और यहां से जो है दोस्तों यहां से न्यूट्रल निकल जाएगा, यहां से न्यूट्रल निकल जाएगा, और इसी न्यूट्रल को दोस्तों ग्राउंड में, यानी कि जो अर्थ होता है, अर्थ में कनेक्ट ये कर दिया जाता है। ये अर्थिंग का मार्किंग होता है दोस्तों, ठीक है, यहां से। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन में ये तीनों कॉइल का जो है नीचे वाला हिस्सा, ये इस तरह से शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद यहां से न्यूट्रल बनने लगता है, और ये जो तीनों सिरा है दोस्तों, तीनों बॉबिन का, जहां से बाइंडिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये स्टार कनेक्शन में होता है, और यहीं से आउटपुट सप्लाई निकलने लगता है। ये जो है दोस्तों मैं आपको अलग अलग दिखाया हूँ, प्राइमरी बाइंडिंग अलग दिखाया हूँ, सेकेंडरी बाइंडिंग अलग दिखाया हूँ, अलग होता है, लेकिन ये जो मैं अलग अलग बाइंडिंग करके दिखाया हूँ, टोटल यहाँ पे 6 कॉइल। ये जो है दोस्तों दरअसल 3 कॉइल के ऊपर किया जाता है, एक कॉइल के ऊपर 2 तरह का बाइंडिंग किया जाता है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। चलिए एक कॉइल जो है मैं समझा देता हूँ आपको, ये देखिए ये बॉबिन हो गया इस तरह से, ठीक है, उसके बाद इधर पहले बाइंडिंग करेंगे हम सेकेंडरी बाइंडिंग, ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, ये जो है सेकेंडरी बाइंडिंग स्टार में किया जाता है, ये स्टार में होता है। उसके बाद दोस्तों इसी बॉबिन के ऊपर दूसरा बाइंडिंग भी किया जाता है, वो किया जाता है डेल्टा के लिए, डेल्टा के लिए भी इस तरह से ही बाइंडिंग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया, तो तीनों कॉइलों में दो दो तरह का बाइंडिंग किया जाता है, स्टार में और डेल्टा में। अब तीनों कॉइल में 3 बाइंडिंग जो है डेल्टा में हो जाएगा और 3 बाइंडिंग स्टार में हो जाएगा। तो स्टार का कनेक्शन जो मैं ये बताया हूँ इस तरह से हो जाएगा, और डेल्टा का कनेक्शन जो है जो मैं ये बताया हूँ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से बाइंडिंग होता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और जो आपके घर में न्यूट्रल सप्लाई आता है दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर के जरिए ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पावर हाउस से पावर हाउस वाले न्यूट्रल वायर जो है आपके गांव तक भेजते हैं या शहर तक भेजते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल बनाने के लिए दोस्तों पूरा रोल ट्रांसफार्मर का होता है,
और वो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में ही मैं बताया हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग से यानी कि स्टार बाइंडिंग में जब हम करते हैं तब वहां से न्यूट्रल जनरेट हो जाता है। ये देखिए ये स्टार में बाइंडिंग हुआ है, ये तीनों सिरा आपस में इस तरह से शॉर्ट हो जाता है और यहीं से न्यूट्रल बनने लगता है, ठीक है। और यही न्यूट्रल वायर जो है शहर में या गांव में सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।